समदड़ी पुलिस थाना परिसर में पुलिस उप अधीक्षक धनपुल मीणा की अध्यक्षता में बुधवार सुबह सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लूणी नदी में रोक के बावजूद चल रहे बजरी के अवैध खनन एवं माफियाओं द्वारा रॉयल्टी कर्मियों से आए दिन हो रही मारपीट की घटनाओं पर अंकुश लगाने और बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रॉयल्टी कार्मिकों पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। बैठक में थानाधिकारी दाऊद खान समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। समदड़ी पुलिस थाना परिसर में पुलिस उप अधीक्षक धनफुल मीणा की अध्यक्षता में बुधवार सुबह सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही अहम निर्णय लिए गए। बैठक में लूणी नदी में रोक के बावजूद चल रही बजरी अवैध खनन एवं माफियाओं द्वारा रॉयल्टी कार्मिकों से आए दिन हो रही मारपीट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रॉयल्टी कर्मियों पर कड़ी नजर रखने की बात कही गई। थानाधिकारी दाऊद खान ने कस्बे सहित क्षेत्र के आसपास के इलाकों में ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों की निगरानी रखने में बगैर नंबर के संदिग्ध गतिविधियों में घूम रहे वाहनों की पुलिस को सूचना देने की बात कही। सीएलजी सदस्यों ने कस्बे में बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण हर आधे घंटे बाद लगने वाले मुख्य बाजार में जाम, दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाने, खोमचा चालकों की निर्धारित जगह पर खड़े नहीं रहने को लेकर चिंता जाहिर की गई। इस पर तहसीलदार हनुमान सिंह ने जल्द ही ग्राम पंचायत एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से उचित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की बात कही। साथ ही उन्होंने वन वे लगाने, भारी भरकम वाहनों का कस्बे में प्रवेश निषेध करने की भी बात कही। बरसात का समय होता है, लोग जमीनों के छोटे छोटे मामले को लेकर के विवाद करते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए कि इस तरह का कोई झगड़ा नहीं हो, तो श्रीमान तहसीलदार साहब भी, एसएसओ साहब, इस सबकी उपस्थिति में इनको कॉल करके बताया कि अगर कोई इस तरह के वाद विवाद होते हैं तो आप जो सीएलजी मेंबर है लोगों को समझाइश करें कि छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद झगड़े नहीं करें और उनको मिल बैठ करके ऐसी समस्याओं का समाधान करें। अगर दूसरी बात, इन्होंने एक बजरी का मुद्दा उठाया था कि भाई जो लीज होल्डर है वो इसको गाड़ी को बड़ी तेज चलाते हैं, रंगीन फिल्म लगी होती है, बिना नंबर की होती है। इसके संबंध में एसएचओ को बता दिया है कि भाई हमारे श्रीमान एसपी साहब ने जो निर्देश दे रखे हैं कि बिना नंबर की गाड़ियां नहीं चले और जो रंगीन फिल्म लगा करके चलते हैं वो भी नहीं चले, तो ऐसी अगर कोई गाड़ी चलती है, तेज गति से चलती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु एसएचओ साहब को भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस संबंध में देखो, मैं श्रीमान से निवेदन करूँगा एसपी साहब से, और देखो जानते कि हर जगह, मतलब ये तो आपको भी पता है, मतलब कमी चल रही है, ये स्वाभाविक है कि प्रॉपर जो जाप का नंबर है उसके अनुसार है कि वहाँ पोस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं श्रीमान से निवेदन करके अभी जो ट्रांसफर हो उसको कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जाप का लगे। हमने जो हुई है, मानता हूँ कि लूट हुई है, उसके संबंध में हमने आवश्यक प्रयास किए हैं और अभी से कोई बंद नहीं हुए, उसके संबंध में पूरे प्रयास कर रहे हैं। और कई जो चोरी हुई है उनमें से चोरी जो इस तरह की हुई है, लूट हुई है, जैसे कि अभी एक मुर्गी तोड़ करके लेके गए थे, उसके भी हमने लुटेरे को जो है उसको भी पकड़ा है। कई चोरियाँ जो की है वो चोरियाँ भी बरामद की है। समदड़ी थाना परिसर में बुधवार को आयोजित हुई सीएलजी सदस्यों की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही कस्बे की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने के निर्णय लिए गए। बैठक में ज्योताराम चौधरी, दिलीप राव, पूर्व सरपंच बाबूलाल परियार, हनुमान सिंह, धन्नाराम, केसाराम समेत कई सदस्य और मौजूद रहे।